अक्षर पटेल ने इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुए दूसरे T20I मुकाबले में एक महारिकॉर्ड बना लिया है, साथ ही एक खिलाड़ी की जो कि टीम इंडिया के ही खिलाड़ी हैं उनकी बराबरी भी कर ली है। क्या है वो बड़ा रिकॉर्ड, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला भी टीम इंडिया चेज करते हुए ही जीती थी, दूसरा मुकाबला भी टीम इंडिया चेज करते हुए ही जीती है। टीम इंडिया ने अजय बढ़त बना ली है इस पूरी सीरीज में, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ एक आखिरी मुकाबला बचा हुआ है 17 तारीख को जो खेला जाएगा बेंगलोर में। 2 जीत के साथ टीम इंडिया तीसरी जीत में भी मतलब तीसरे मुकाबले में भी जीतना चाहेगी और सूपड़ा साफ करना चाहेगी अफगानिस्तान की टीम का। साथ ही बात करें जो दूसरा T20I मुकाबला था, इसमें अक्षर पटेल ने कमाल की गेंदबाजी करी, 4 ओवर में मात्र 17 रन लुटाकर 2 विकेट उन्होंने झटकाए हैं। बल्ले से भी जब उनको मौका मिलता है, जब टीम को उनकी जरूरत होती है, तो बल्ले से भी वो आगे खड़े रहते हैं, आगे तैनात रहते हैं। फिलहाल गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल किया, जिसकी वजह से उनको पिछले मैच में यानी जो दूसरा T20I मुकाबला था इसमें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि गजब की गेंदबाजी उन्होंने की थी। साथ ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है, दरअसल वो टीम इंडिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी, दूसरे इस तरीके के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने T20s में 200 विकेट और 2000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। उन्होंने रविंद्र जडेजा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, साथ ही दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 200 विकेट और 2000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। गजब की गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी में भी वो पीछे नहीं हटते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि अक्षर पटेल का जो इंटरनेशनल करियर रहा है T20s में वो कैसा था। अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के लिए 2015 में T20 में डेब्यू किया था। इसके बाद से उन्होंने भारत के लिए 52 T20I मैचेस में 49 विकेट्स हासिल किए हैं और कुल 361 रन्स बनाए हैं। वो बेहतरीन गेंदबाजी में माहिर प्लेयर हैं। इसके अलावा वो निचले क्रम पर उतरकर ताबड़तोड़ बैटिंग भी कर सकते हैं। उनके पास वे काबिलियत है कि वो चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। देखा आपने, 2015 में T20I डेब्यू हुआ था, तब से अब तक 2000 रन और 200 विकेट लेना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और अक्षर पटेल को मौके मिलते हैं बट उतने मौके नहीं मिलते, लेकिन उनको पता है कि मौक़ों को किस तरीके से भुनाना है। उम्मीद करेंगे अक्षर पटेल तीसरे T20I मुकाबले में जो कि 17 तारीख को बैंगलोर में खेला जाएगा उसमें भी इसी तरीके का प्रदर्शन करें। अब आप कमेंट्स करके बताइए अक्षर पटेल की गेंदबाजी आपको दूसरे T20I मुकाबले में कैसी लगी।